वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर से नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं हॉट ड्रॉप चैलेंज। बाप रे, देखो मैं आपको बताता हूं कि नो हॉट ड्रॉप चैलेंज में होता है क्या है। इसका मतलब ये है कि हमको एक ऐसी जगह कूदना जहाँ पे कोई नहीं कूदता है। अच्छा। यानी कि कोई बंदे ही नहीं आते, जैसे हम लोग हमेशा क्लॉक टावर या फिर पीक में उतरते हैं जहाँ पे ज्यादा ज्यादा किल्स मिलते हैं। बट आज हमको ऐसा नहीं करना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर कूद गया हूँ। तो यहाँ से मुझे शुरुआत करनी है गेम की जहाँ पे कोई भी नहीं आता है, और उसके बाद यहाँ पर से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा किल्स करने होंगे और साथ ही साथ भुइया भी करनी पड़ेगी। सो भी यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ बीमा शक्ति की ओर, क्योंकि बस एक ओके बस बाइजन मिली हुई थी, लेकिन अब मेरे को मिल गई कार 98। अब थोड़ा ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा जलवा बिखेर सकते हैं। देखते हैं कि बीमा शक्ति में कोई आया है कि नहीं। भाई कुछ भी कहो, लॉबी में तगड़े बंदे तो आए यार सबके सब। ये वो घन स्किन वाले किल इफेक्ट आ रहे हैं स्क्रीन पे। लेट्स सी हम लोग भुइया कर पाते हैं। बट सबसे मेन तो बात यह है कि क्या आज मैं कितना टारगेट रखेंगे। इसमें सोच रहा हूँ कि 20 किल्स का टारगेट रखते हैं। ये राज कौन है भाई, लगातार मेरे सारे किल्स तो यही खाए जा रहा है। अगर मैं आज पीक में कूदा होता ना दोस्तों, तो शायद अभी तक राज की पीटी बना के मैंने सारे किल्स ले लिए होते। पर कोई बात नहीं, फिलहाल हमको अपने चैलेंज पे फोकस करना है। एक मिनट गाइस, किसी की शायद आवाज़ आ रही है। ओके ये देखो, ये रहा मेरी दो सीधे 160 का हेड, 161 का। अरे जब कुछ ज़्यादा ही फास्ट में वेपन चेंज करता हूँ ना, तो स्नाइपर से गोली नहीं निकलती। देखो ऊपर भी फाइट चालू है यार। मैं तो सोचता था नो हॉट ड्रॉप चैलेंज करेंगे, बट बीमा शक्ति में भी बहुत सारे बंदे आ गए। जहाँ पे मैं जाता हूँ ना, वहीं पे सबसे ज़्यादा बंदे आते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखो ऊपर घमासान फाइट हो रही है। इससे पहले कि मेरे किल्स चोरी होना शुरू हो जाए, हम लोग भी जाके लफड़ा कर देते हैं। यहाँ पे जाके लफड़ा होने वाला, भाई लोग रेडी हो जाओ। क्या मैं रनिंग हेड मार पाऊंगा? नहीं यार, अब तो उसने भी अपनी गन रिलोड कर ली। शायद ट्रोगोन वाला है ये। क्या भाई ट्रोगोन मारेगा तू मुझे? हमारे पास भी ट्रोगोन है। अरे डर गया क्या? लॉन्च ग्रेनेड मोड है इसका, देखो अपने बॉम्ब से मर गया ये तो। वाह, ट्रूगोन में एक मोड भी आता ना ग्रेनेड वाला, तो वाला मोड लगा रखा था उसने। अच्छा, पता नहीं क्या सोच के करते हैं ये लोग ऐसी हरकतें। तू तो हेड खाएगा। राहुल का दोस्तों काम तमाम कर दिया यहाँ पे। और सामने यार और भी इसके दोस्त बचाने के लिए आ गए हैं। एक मिनट, जरा ग्लू वॉल लगाऊं। यहाँ कहीं से आवाज आई। ओए ये ग्लू वॉल लगा के आ गया रश करने के लिए। कौन सी स्किल है? मैं वाला कैरेक्टर लेके आया, तुरंत फायरवॉल लगा दी इसमें। तो वैसे जब से अपडेट के बाद नया कैरेक्टर आया ना गाइज, मैंने इसको यूज नहीं कर रखा है, तो सोच रहा हूँ कि एक वीडियो हम लोग इस न्यू कैरेक्टर के साथ भी बना लेंगे। फिलहाल तो गाइज मैंने यहाँ पे उठा ली इस कार, क्योंकि कानाटियर तो एकदम फद्दू गन है यार, कौन भरोसा करेगा उस पर। इसलिए अभी मैंने इस कार उठा लिया। इससे पहले कि उसके दोस्त लोग, देखो जैसे ही मैंने बोला था वैसे ही आ भी गए, क्योंकि ये लोग चैन से नहीं सोने वाले हैं। भैया 8 HP छोड़ दिया था इसने मुझे, लगता है इसको हेडशॉट से जवाब देना पड़ेगा। भाई इतना हेड भरा मरा ही नहीं, क्या चीज़ है ये? लेवल 4 का हेलमेट कहाँ से लाया तू? पक्का हेलमेट थिकना ला के आया होगा। कहीं और तो नहीं है इसके आसपास बंदे? लग तो नहीं रहा गाइस, क्योंकि ऊपर सरकारी ड्रोन है उसमें तो नहीं दिखा। और इसी के साथ हमारे कंप्लीट हो गए 4 किल्स। अब चलता हूँ गाइस सीधे वो नीचे शॉप की तरफ, क्योंकि वहाँ से हमको लेना पड़ेगा एक हिटलिस्ट। अब आप लोग जानते हो कि आज हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा किल करने का। क्या बात तो है? यहाँ पर तो मुझे लगता है भी सारे बंदे भाग गए हैं डर के मारे। उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की थी मुझे मारने की बाबा रिवाइव होके, लेकिन मार नहीं पाए। अब ये लोग भाग जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं एक हिट से लेता हूँ और इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारता हूँ। यहाँ पर से एक ड्रोन भी ले लेते हैं गाइस। अब सही है, किसी ने तो गोली मारी पीछे से, बस 2 गोलियाँ। खिड़की के कौन से नज़ारे ले रहा था, यहाँ तो बैकग्राउंड भी नहीं था, पीछे चुपचाप खड़ा हुआ था वहाँ पे। सीधे गाइज हमने उसको उड़ा दिया। चलो अब चलता हूँ सीधे पीक में, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बाकी के किल्स हम लोगों को वहीं पे मिलेंगे। लेट्स गो। मैक्लेरन मिल चुकी है दोस्तों सामने, और मेरा हिटलिस्ट भी देखो यहीं पे। ये कौन सा एंगल आता है यार, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। जब से अपडेट आ रखा है गाड़ी वाला ग्लिच, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। इसकी सेंसिटिविटी ना कुछ ज़्यादा ही है। मेरे हिटलिस्ट भी पता नहीं कहाँ गोल गोल तब से मुझे घुमाया जा रहा है। ऊपर से एक गाड़ी मुझसे बिल्कुल भी चलाई नहीं जाती ऐसे वाले इलाकों में जहाँ पे बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है, क्योंकि मैं दबाता हूँ लेफ्ट और कैमरा घूम जाता है पूरा राइट। ये देखो बैठा कहाँ पे और कैमरा कहाँ घूम रहा है गोल गोल। अब भाई रुक जाए, बट शांत हो जा, चुपचाप तू बस एक जगह खड़े रहो, मैं तेरे को चला लूँगा गाड़ी। अब वहाँ पे देखो मेरे हिटलिस्ट कितने मजे में आ रहा है, उसको लगता है कि मैं उसको भागने दे रहा हूँ। अरे भाई भागने नहीं दे रहा हूँ, तू मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है यार।
अब मैप में तो देखो यहीं पर दिखा रहा था, मगर अब दिख ही नहीं रहा। मेरे ख्याल से जमीन के अंदर घुस गया होगा वो, तभी तो नहीं दिख रहा है। एक मिनट, मुझे लगा ही था ये पक्का रिवाइव करने जाएगा छिप छिप के। क्या रे लड़की, सेंटा क्लॉज का टोपा पहन रखा है तूने या हमको टोपा पहना रही है? भगवान, अब कर ले रिवाइव, चल। आई मजे में यार, पता नहीं कहाँ कहाँ पे छुपते हैं ये लोग। ये लड़की भी गहरी हो गई यार, क्या किस्मत है ये, हिटलिस्ट मेरे ऊपर ही आनी थी क्या। चलो दौड़ो, अब दोबारा से बैठ जाते हैं गाइज अपने मैक्लारेन कार के अंदर। ये देखो दोबारा से कैमरा, मैं समझ नहीं आता जब आदमी गाड़ी में बैठ रहा है ऊपर से ड्रोन व्यू दिखाना जरूरी है क्या इंसान को छिड़ाने के लिए गाइस। अरे वाह, सामने एक प्लेयर मुझे दिख गया है वॉच टावर पे। क्या कर रहा है तू वहाँ पे? भाग गया। देखो अब तो तू ऐसी जगह में ना, तू चाह के भी नहीं भाग सकता है। एक ही रास्ता है ऊपर जाने का और नीचे आने का गाइस, और मैंने कर दिया इसका रास्ता ब्लॉक। देखो मैंने नीचे भी एक और प्लेयर देख लिया है और उसने भी मुझे देख लिया है, बट मुझे पहले इस वाले प्लेयर को। और इस लाइन कुछ भी करते हैं यार ये लोग। चलो अब मैं वो यूएमपी वाले को मारता हूँ, किसी ने यहाँ से मुझे गोली मारी थी, दोबारा मारने लग गया, शायद कोई ऊपर रश कर रहा है। अरे भाई लगता है चारों तरफ से इसने अपनी पूरी स्क्वाड बुला ली है और मुझे चारों तरफ से घेर के मारने की सोच रहे हैं। लगता है ये लोग जानते नहीं गाइस हम है कौन। रेड क्रिमिनल तो नहीं, आज हम घोस्ट क्रिमिनल पहन के आए हैं और ये हमारा पहला एनिमी, इसका तो रास्ता ही ब्लॉक है। अब क्या करेगा तू, अब क्या करेगा तू? अरे भाई दोनों पर आ गए, एक गया। अपना ड्रोन मैंने चालू कर दिया है बट किसी काम का नहीं। नौ गोले के बाद ड्रोन जा रहा है, इसके पास भी देखो ऑटो रिवाइव है। इसका भी खेल खत्म, बहुत तगड़ी लूट करके आए थे यार ये सारे प्लेयर। देखा किसी के पास ग्रोज है, किसी के पास दो दो प्लेयर्स के पास तो ऑटो रिवाइव हॉरिजन लाइन था। मैंने इससे भी चिप वगैरह भी ले लिया गाइस, अपनी स्कार भी होगी लेवल 3 की और साइलेंसर भी मिल गया अब तो। लेकिन अब यहाँ से यार हमें अपनी ट्रोगोन को अलविदा कहना पड़ेगा क्योंकि उसका एमो खत्म हो गया था और अब वक्त आ चुका है यूएमपी चलाने का। लेट्स गो, नीचे एक और ड्रॉप है, यहाँ पर भी चलकर एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ अगर मिल जाए तो। ओके लेवल 4 का वेस्ट है और ग्रोजा है, ग्रोजा नहीं चलाएंगे भैया, आज हम चलाने वाले हैं स्कार, ओनली स्कार। और यूएमपी गेम से अब हमको करनी पड़ेगी भैया। ये देखो फिर से कैमरा, यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब जितने बार भी मैं बैठ रहा हूँ ना गाइस कैमरा उल्टा सुलटा कहीं पे भी खुल जा रहा है, जमीन के अंदर जमीन के ऊपर। ऐसा ठीक करो यार फ्री फायर, प्लीज फिक्स दिस। ओके तो अभी मैं फैक्ट्री की ओर आ गया हूँ और यहाँ पे बहुत खतरनाक वाली फाइट हो रही है कुछ प्लेयर्स के। देखो एक और बंदा अभी अभी कूदा है पैराशूट से, इतनी जल्दी मरते इतनी जल्दी पता नहीं कूद कैसे जाते हैं। अब करते हैं इनका स्वागत सीधे हेडशॉट। ओके अपने स्क्वाड का आखिरी बंदा था, एक और है यहाँ पे तो यही कूदा था शायद। देखो अभी अभी पैराशूट से, क्या बे मेरे को मारेगा तू? अभी तक तो पैदा हुए 2 सेकंड हुआ ही नहीं इस लॉबी में और मेरे को मारने चले हैं बताओ। उसके बाद जो यूएमपी थी ये देखो गुस्सा हो गया, ऊपर एंग्री वाला ही रिएक्शन दे रहा है गेम में। गाइस इसी के साथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है 11 किल्स। और क्या ले सकते हो अभी मैं शॉप से, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ तो है वैसे अपने पास। तो एक काम करते हैं, निकलते हैं सीधे दोबारा से अपने मैक्लारेन के लिए और आई थिंक अब जोन जो है सबसे लास्ट वाला पोचिनोक पे ही बनेगा। चलो सीधे वहीं पे निकलता हूँ और जोन के एंड एंड से भाग के निकलने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब सर्कल आ रहा होता है तो बहुत सारे बंदे जोन के साथ चिपकते हुए आ रहे हैं। ये देखो जैसा मैंने कहा था गाइस, सामने से मुझे 2 स्क्वाड आपस में फाइट कर दिए, लेकिन यहाँ पे मेरा कूदना शायद थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर अपनी मैक्लारेन लगाता हूँ और शायद इसी घर से वो फाइट ले रहे हैं, इसका मतलब ऊपर कोई तो एनिमी है। लेट्स गो। हाँ देखो अभी मुझे साइलेंसर की आवाज़ आ गई ऊपर, इसको तो पता भी नहीं होगा कि भाई पीछे से कौन आ गया है। चल भैया तेरी टिकट काटता हूँ, मजे से लूट कर रहा है तू, हाँ हमारे किल चोरी करेगा। अब वक्त आ चुका है दोस्तों उन जोर वाले प्लेयर्स को मारने का, ये हुआ खत्म। इसको भी फिनिश कर लेता हूँ, 13 किल्स कंप्लीट हो गए हैं, हर जगह बस बंदे ही बंदे हैं। अब तो जोन भी आ गया है तो पैदल पैदल ही निकलते हैं। अरे यार ये जोन के बाहर अभी भी फाइट हो रही है, इसका मतलब कोई तो छिपा है। अरे वाह फ्री का किल, उठा लेता हूँ उसको ना तुरंत। ये देखो एक और बंदा आया, शायद इसने डाउन किया था लेकिन मुझे भी किसी और ने देख लिया। डैमेज तो है, फटाफट हील कर दूँ क्योंकि जोन बहुत स्पीड में काटेगा मुझे। ये देखो 2 मेडिकेट मारते हो और सीधे पैदल पैदल निकलता है यार, मैक्लारेन का भरोसा नहीं करना अब तो। जहाँ कहीं से मुझे गोली पड़ी थी इसलिए ग्लूबो लगाते हुए भागना पड़ेगा। चलो पहुंच गए यार, अभी जोन से नहीं बनेंगे हम लोग,
सात एनिमी दोस्तों बचे हुए हैं, क्या लगता है भैया निकाल पाएंगे हम? एक और एलिमिनेट हो गया और ये देखो सामने ही तो बंदे हैं, क्या बात है तुम्हारी तो ऐसी कम तैसी, एक तो खत्म हो गई आरोही। मिस आरोही को दोस्तों बचाने के लिए कोई जा रहा है, ये देखो पीछे एक और बंदा, इसने अब तो मेरे को देख लिया है। ये थोड़ी गलत सिचुएशन बन सकती है क्योंकि नीचे दो बंदे जिन्होंने मेरे को देख लिया है और पीछे एक और बंदा था, अब वो भी मुझे मारेगा। इसलिए एक काम करता हूँ, पहले इन लोगों को मारने की कोशिश करता हूँ कवर में। क्या मेरे पास ग्रेनेड्स है, लैंडमाइन है, ग्लू वॉल मेल्टर है, चलो ये फेंक देता हूँ, थोड़ा बहुत डैमेज तो इससे भी लग ही जाता है। पांच ग्रेनेड्स है, अरे यार वो लोग उधर भाग गए। चलो दो ग्रेनेड्स अभी बचा लेता हूँ, एंडिंग पे काम आएंगे। ये देखो अभी लास्ट वाला बंदा भी मुझे पीछे से मारने की सोच रहा है, आ जा तेरा वेलकम करता हूँ, तू मारेगा मुझे, तू मारेगा मुझे, तू रोकेगा मेरे को। खतरनाक डैमेज लग गया, बस एक गोली का मेहमान है भाई, खतरनाक है तो झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ब्रोकी कर दिया भाई मैंने तेरे को अच्छे से, अनस्टॉपेबल ईएमपी चल रही है आज तो मेरी, क्या बात है गाइस। सबसे अच्छी बात पता अभी क्या हो रही है मेरे साथ कि जो सर्किल है अभी मेरी तरफ ही है, तो ज़्यादा दूर मुझे जाना नहीं पड़ेगा। सबसे बेस्ट पोजीशन मेरे पास है, 15 किल्स मैंने निकाल लिया है। पीछे वाला एनिमी गया, अब बस जो बाकी के दो बंदे वहाँ पे बचे हुए थे भाग गए थे जो मेरा ग्रेनेड देख के। ये देखो एक तो दिख गया शायद, इनको लपेटे में लेते हैं। क्या अरे मेरे को मारेगा तू, एक हेडशॉट पड़ गया, एक गोली का मेहमान है ये भी अब। अरे यार चालाक बंदा यार, चालाक ही करेगा, इनको चालाक ही करेगा, इसका भी खेल खत्म। दूसरा बंदा कहाँ गया तेरा, अकेला है क्या तू? मैं नहीं बताऊंगा। तो एक काम करते हैं, इसको हल्का सा डैमेज देके छोड़ देते हैं, जोन में अपने आप ही मर जाएगा। अरे ये बॉम्ब, ये रहा इसका दूसरा बंदा। क्या रे मिस आरोही तू, लगता है ना इसकी मौत हमारे स्कार से निश्चित थी, पिछले बार भी हेडशॉट खाया था, दोबारा हेडशॉट खा लिया। चलो ये दोनों प्लेयर्स भी गाइस खत्म हो गए हैं, अब बस आखिरी बंदा बचा हुआ है, 1v1 दोस्तों। छोटी वाली शॉटगन उठा लेता हूँ, देखो इससे आखिरी प्लेयर को वन टैप मारने की कोशिश करेंगे, तभी तो मजा आएगा। चलो अब इसको थोड़ा ढूंढ लिया जाए, कहाँ पे छिपा रहे तू, बाहर आ जा, डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही प्रेम से मारेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। और लगता है हमने आखिरी प्लेयर को ढूंढ लिया है दोस्तों, अभी आगे की तरफ भागा था, आई थिंक ये नीचे के साइड गोल गोल छिप रहा है। ये देखो ये रहा, हल्का सा इसको डैमेज दूंगा, उसके बाद वन टैप खेलेंगे क्योंकि छोटी शॉटगन है ना। आ जा भैया, पहले ही मर गया हेडशॉट खा के। गाइस आपने आज की वीडियो एंजॉय करी होगी, गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता है हमारी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।